नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 14। कृष्ण जन्म के समय नंद यशोदा की उम्र क्या रही होगी। भागवत पुराण में नंद की आयु के बारे में बात करते हुए वासुदेव जी कहते हैं, वासुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की आशा तक नहीं थी। ऐसे में यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हें संतान हो गई। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 5 श्लोक 23। इस पुराण में यशोदा के उम्र की कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए नंद बाबा की अवस्था से उनकी अवस्था का अनुमान लगाना ही अपेक्षित है। किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा गया है कि यशोदा के अतिरिक्त नंद की अन्य पत्नियां भी थीं, अतः उम्मीद यही की जा सकती है कि नंद और यशोदा स्वयं समवयस्क रहे होंगे। विष्णु पुराण में भी इसी तरह की बात वासुदेव जी अपने मित्र नंद से कहते हैं। तब वसुदेव जी ने भी उनसे, मतलब नंद से कहा, अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 5 श्लोक 2। स्पष्टीकरण। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि नंद जी एक वृद्ध व्यक्ति थे, फिर भी सभी टीवी सीरियलों में नंद यशोदा को युवा बताया जाता है, लेकिन यह सब तो कृष्ण के वास्तविक जीवन के साथ वो खिलवाड़ है जो अब बंद कर देना चाहिए। सबको कृष्ण के बाबत उत्पटांग कहानियां बनाते वक्त यह ध्यान रखना ही चाहिए कि अपने नायक के सही स्वरूप को पहचानने का हक सबको है। देवकी का अपने भाई कंस से कैसा संबंध था। पुराणों के अनुसार कंस अपनी सबसे छोटी चचेरी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करते थे। देवकी उनकी लाडली बहन थी। सुखदेव जी कहते हैं, उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा, यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक 30। यानी कंस का उत्साह पूर्वक देवकी का रथ हाँकना उनके प्रेम को दर्शाता है। हालांकि हरिवंश पुराण तथा महाभारत में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन गर्ग संहिता में एक श्लोक कुछ इस प्रकार है। नारद जी कहते हैं, वासुदेव जी के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। वह अपनी बहन का कुछ अधिक प्रिय करने के लिए चतुरंगिनी सेना के साथ आकर चलने को तैयार घोड़ों की बागडोर अपने हाथों में ले स्वयं रथ हाँकने लगा। गर्ग संहिता गोलोकखंड अध्याय 9 श्लोक 10। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी ऐसी बातें कही गई हैं। देवकी को रथ पर बिठाकर जब वासुदेव जी प्रस्थान करने लगे, तब बहिन के विवाह में हर्ष से भरे कंस भी उनके साथ चले और उनका रथ तत्काल देवकी के रथ के निकट आ गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 7 श्लोक 14-15। उपरोक्त पौराणिक प्रमाणों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि कंस को अपनी बहनों से बहुत प्रेम था, खासकर देवकी से। कृष्ण की स्वयं तथा उनके पुत्रों की अधिकांश शादियां प्रथम रक्त संबंध के रिश्तेदारों के बीच क्यों हुई थी। हिंदू धर्म में यह उन दिनों एक बहुत ही प्रचलित रिवाज था और आज की तरह इस बाबत हिंदू धर्म में यह और आज की तरह इस बाबत कोई वर्जना नहीं थी। कृष्ण से बदली गई यशोदा की बेटी को बचाने के लिए देवकी कंस से प्रार्थना करती हैं, यह तुम्हारी पुत्रवधु के समान है, कम से कम इसे तो मत मारो। देवकी ने कहा,
मेरे ही तैसी भाई, यह कन्या तो हमारी पुत्रवधू के समान है और स्त्री जाति की है। तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 4 श्लोक 4। अगर ऐसा प्रचलन नहीं होता तो बच्ची के जन्म के समय ही देवकी रिश्तेदारी गांठने का प्रयास नहीं करती। नीचे कृष्ण के परिवार के ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच हुई कुछ शादियों के ब्यौरे जो ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं दिए जा रहे हैं। भद्रा कृष्ण की बुआ श्रुति कृति जो केकय राज से ब्याही गई थी, भद्रा उनकी बेटी थी। रुक्मिणी के बाद कृष्ण की दूसरी शादी भद्रा से ही हुई थी। मित्रविंदा कृष्ण की बुआ रजाधि देवी जो अवंती राज से ब्याही गई थी, मित्रविंदा उनकी बेटी थी। द्रौपदी के स्वयंवर से लौटते समय कृष्ण मित्रविंदा के स्वयंवर में गए थे और इस राजकुमारी ने सैकड़ों राजाओं के बीच स्वयं ही कृष्ण के गले में वरमाला डाली थी। सुभद्रा कृष्ण के फुफेरे भाई अर्जुन ने कृष्ण के ही सहयोग से सुभद्रा से प्रेम विवाह किया था। शुभांगी कृष्ण के साले रुक्मी की इस बेटी ने स्वयंवर में अपने फुफेरे भाई और कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन को स्वेच्छा से वरन किया था। रुक्मवती रुक्मी ने कृष्ण से वैमनस्य मिटाने के लिए अपने इस पोती की शादी का रिश्ता कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के लिए भेजा, जिसे रुक्मिणी के अनुरोध पर कृष्ण ने स्वीकार लिया। इसी रुक्मवती और अनिरुद्ध की शादी में बलराम के हाथों रुक्मी मारा गया था। वत्सला या शशिरेखा बलराम की इस बेटी की शादी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु से हुई थी। प्राचीन काल में ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच हुई कुछ अन्य शादियाँ। यशोदा वैशाली गणराज्य के एक सामंत समरवीर ने अपनी इस बेटी की शादी अपने भांजे महावीर जो जैन धर्म के भगवान हैं से करी थी। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा उनकी बुआ प्रतिमिता की बेटी थी। स्पष्टीकरण यानी उस समय ममेरे फुफेरे भाई बहनों से में शादी आम बात थी, उसे कतई बुरा नहीं माना जाता था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।